हिंदी फिल्मों के सीन भी कमाल होते हैं। अच्छा, हिंदी फिल्मों के सीन भी कमाल होते हैं, उन्हें देखकर मन में कई सवाल होते हैं। जैसे हीरो शहर से निकलकर अकेला ही जंगल में आया, आते ही उसने एक गाना गाया, लेकिन भाया मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस बियावान जंगल में गाने के साथ ढोलक तबला सारंगी बजाने वाला कहां से आया। सही बात है, बहुत अच्छे। हिंदी फिल्मों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो 30 साल लंबी कहानी सिर्फ 3 घंटे में बता देते हैं, इसलिए कितने काम फटाफट निपटा लेते हैं। जैसे हीरो 5 साल की उम्र में छत पर जाता है, 5 मिनट बाद वही 25 साल का होकर वापस जमीन पर आता है। सही बात है, क्या बात है। ऐसे दृश्यों को देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ, इसलिए जब भी मेरी घरवाली छत पर जाती है तो मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। बहुत अच्छा। कहीं भरी जवानी में छत पर जाए, 5 मिनट बाद बूढ़ी होके वापस जमीन पर आए तो मेरा तो कबाड़ा ही हो जाएगा। ये हिंदी सिनेमा मेरे किस काम आए। सही बात है। प्रेम की बहुत बातें चल रही थी जी, और ये जितनी प्रेम कविताएं हैं शैलेश भाई, ये मेरे दिमाग में नहीं आती। अरुण भाई सही कह रहा हूँ, वही बात, समझ में नहीं आती। कारण कि इन प्रेम कविताओं में आप एनालिसिस करें, सच्चाई नहीं है जी, साइंस नहीं। कैसे ऐसे शैलेश भाई कि ये पट्टे क्या करवाते हैं प्रेम गीत लिखने वाले, तितली की मोहब्बत तो फूल से करवाएंगे, तितली की फूल से, जबकि दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। बहुत बढ़िया, तितली की मोहब्बत फूल से करवाएंगे, ये तितली की मोहब्बत तो फूल से करवाएंगे, फूल की मोहब्बत भंवरे से करवाएंगे, और भंवरे की मोहब्बत तितली से करवाएंगे, लेकिन तितली की मोहब्बत कभी भी तितले से नहीं होने देंगे। भाई बहुत अच्छे तितले। सारे रिलेशन इंटरकास्ट बना रखे। लेकिन मैं जो कविताएं लिखता हूँ जी प्रेम की, तो उनमें सच्चाई होती है शैलेश भाई।